रदमा मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजु शरीफ के खरूज की अलामत। जब मर्द औरतों की शबी और औरतें मर्दों की शबी बन जाएंगी। मर्द मर्दों पर इक्तफा और औरत औरतों पर इक्तफा करेंगी। औरतें घोड़ों पर सवार होंगी। झूठी गवाही को कबूल किया जाएगा और सच्ची गवाही मुस्तरद कर दी जाएगी। लोग खून और जिना के इर्तकाब को मामूली बात समझेंगे। लोग सूद को हलाल समझेंगे। बदकार से उनकी जबान दराजी की वजह से डरा जाएगा। शाम से सूफियानी और यमन से यमानी खरूज करेंगे। आले मोहम्मद में से एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद इब्न हसन नफसे जकिया है को रुकनो मकान के दरमियान कत्ल कर दिया जाएगा। आसमान से एक निदा गूंजेगी कि हक उसमें है और उसके शियों में है। उस वक्त मुंतजरुल महदी अजलल्लाहु ताला फरजु शरीफ का जहूर होगा। खरूज के बाद आप खाने काबा से पुश्त लगाकर खड़े होंगे और आपके पास 313 अफराद जमा हो जाएंगे। आप सूरह हूद की तिलावत फरमाएंगे। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। फिर फरमाएंगे अना बकियतुल्लाह। कोई मुसलमान आपको सलाम नहीं करेगा मगर इस तरह अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह फी अर्ज़े। जब आपके पास एक गिरोह यानी 10,000 अफराद जमा हो जाएंगे तो वहां से आप खरूज करेंगे। फिर जमीन पर खुदा के अलावा किसी की परस्तिश ना होगी। मालिक हमें जहूर का रास्ता हमवार करने वालों में से करार दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।